माँ जी आपकी चाय। माँ जी आप किस सोच में डूबी हुई हैं? सोच तो रही हूं मैं एक बात। बताइए ना माँ जी क्या बात है? गोपी वो मेरे मन में एक विचार आया है। शू बात करे छे कोकिला? मीरा की शादी पर अचानक ये ख्याल तुम्हारे मन में कहां से आया? दरअसल आज जब गौरा अपनी होने वाली बहू के बारे में जो बता रही थी तो उसकी बहू की परिकल्पना में और हमारे मीरा में मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारी समानताएं हैं। इसीलिए अहम दिख रहा। दरअसल बहुत दिनों से मेरे मन में कश्मकश चल रही थी कि ऐसा कौन सा परिवार हो सकता है जहां हमारी मीरा बहू बनकर जाए और स्वयं को अच्छी तरह से ढाल पाए। और सच कहूं तो इसीलिए मुझे लगता है कि गौरा के पोते के साथ हमारी मीरा का रिश्ता जोड़ने की बात चलाए। पर कोकिला मीरा से पूछे बगैर हम इतना बड़ा फैसला कैसे कर ले? हाँ माँ, मीरा इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि आजकल की पीढ़ी के बच्चे तो इस तरह के फैसले तो खुद करते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ आप लोगों से कि हमें मीरा पर जोर जबरदस्ती करके ये रिश्ता उससे मनवाना चाहिए। जो भी होगा मीरा की मर्जी से ही होगा और क्या पता उसके भाग्य में यही लिखा हो। अडमॉम, आप तो मीरा को जानती है ना, अब इस बात की चर्चा मीरा से करेंगे तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। फिलहाल में मीरा को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि वो सेटल हो जाए। दिख रहा, तुमसे एक बात अवश्य कहूंगे। ये जरूरी तो नहीं है हम दिख रहा कि पाठशाला में आखिरी बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी हमेशा कम अंकों से उत्तीर्ण हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाठशाला में सबसे आखिरी बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी अव्वल नंबरों से उत्तीर्ण होता है। हो सकता है कि मीरा के मामले में भी ऐसा ही हो। काकी जी बिल्कुल सही कह रही है जीजू। जब मैं इस घर में आई थी मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे शादी के बाद मैंने सब कुछ सीख लिया और मुझे भी पूरा यकीन है कि मीरा भी शादी के बाद सब कुछ सीख जाएगी। परिधि, तुम्हारी बात सही, लेकिन मीरा से बात किए बिना कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं होगा, है ना माँ जी? अवश्य, आखिरी फैसला मीरा का ही होगा। पर एक बात अवश्य कहूंगी मोटा भाभी, यदि मीरा का ये रिश्ता हो जाता है तो सबसे ज्यादा खुश मैं होंगी। कोकिला, तू पूछ ले अपनी सहेली गौरा से, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि इस विषय के बारे में उसके विचार क्या है। ठीक है बा, बस आप आशीर्वाद दीजिए। आते हैं। अब चाल चलना कोयली के हाथ में है। मैं अपना पासा फेंक चुकी हूँ, अब देखते हैं मेरी होशियार सहेली क्या करती है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं। जो काम मुझे एक महीने में पूरा करना है वो तो मैं किसी भी तरह पूरा करके ही रहूंगी। तैयार हो जा कोयली, तैयार हो जा।
थुलोम्बे मात की जय। आपको लगता है कि मासी जी इस बात को लेकर मान जाएंगे? मेरा दिल तो कहता है कि वो अवश्य मान जाएगी। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। जिस पल का बरसों से था इंतजार, वो घड़ी आ गई है आज। अब देखना ये है कि होता है इकरार या थोड़ा थोड़ा प्यार, या होती है थोड़ी थोड़ी फिर से तकरार। लिया था प्रण हम दोनों ने मिलकर कभी, देख आज किस्मत को मजबूर करके खुद आई हूं उस चौखट पर जहां होगी हमारी हर मुराद पूरी। किस्मत की कहानी है बड़ी निराली, कभी साथ देकर खुश कर देती है तो कभी निराश करके दुख देती है। बंद कर अपनी मुट्ठी और मत रख अपने हाथों की लकीरों से कोई आस, खुद को कर बुलंद इतना कि किस्मत खुद चल के आए तेरे पास। गौरा, तुम किससे बात कर रही हो? क्यों नहीं है? क्या बात है मासी जी? क्या हुआ गौरा? क्या कोयली? अरे बचपन से मुझे जानती है, फिर भी मेरे अभिनय को हमेशा सच मानकर इतनी परेशान हो जाती है। तुझे क्या लगा स्क्रू मेरा ढीला हो गया है कि मैं ये दीवार से ये कबाट से ऐसे ही बातें करती रहूंगी? मेरी प्यारी सी भोली सी कोयली, कलाकार वो नहीं होता जो अपने किरदार को एक बार बखूबी से निभाए, बल्कि अच्छा कलाकार वो होता है जो अपने किरदार को बार बार लगातार इतनी बखूबी से निभाए कि लोग उसे अपने नाम से नहीं अपने किरदार के नाम से पहचानने लगे। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? अरे मैं मेरे नाटक की प्रैक्टिस कर रही थी। वाकई मासी जी, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। मुझे तो एक पल के लिए सच में लगा था कि पता नहीं मासी जी किससे बात कर रही हैं। इतना मत कर भरोसा हर बात पे बेटा, जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच है वो कभी कभी दिखता ही नहीं है। हे कृष्ण भगवान, अपनी बातों के माया जाल में फांस कर किसी को परेशान करना हो तो कोई मेरी सखी गौरा से सीखे। यहाँ मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। अच्छा, ये लो गौरा बैठ गई बात सुनने के लिए। हाँ मेरी कोयली तू भी बैठ, बता क्या बात करनी है। हम मतलब तुमसे। ओहो क्या ता पापा कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे मेरा कलेजा मांगने आई हो। गौरा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम अपने पोते का रिश्ता मेरी पोती मीरा से जोड़ना चाहोगी? गौरा ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया?
ये क्या कर रही हो? मासी जी, हम तो आपके सामने प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ यदि तुम्हें बुरा लगा हो, पर इस तरह से मुझे छोड़कर मत जाओ। सब कुछ भूलकर कितनी मुश्किल से दोस्ती की कड़ी जोड़ी थी मैंने, लेकिन शायद किस्मत को हम दोनों की दोस्ती मंजूर ही नहीं है। तोड़ दी ना दोस्ती तूने मेरी? नहीं, ऐसी बात नहीं है गोपी, हो तुम ही समझाओ। हाँ हाँ मासी जी, देखिए अगर आपको बुरा लगा होगा तो हम आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज माफ कर दीजिए। पर इस तरह से चुन्नी याद है? तूने खुद अपने हाथों से बनाकर मुझे नवरात्रि में तोहफा दिया था। इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ गौरा? तब मैंने क्या कहा था तुझे याद है? कि ये चुन्नी हमारी दोस्ती की निशानी है, इसे हमेशा मैं अपने साथ रखूंगी। गौरा, मैं आज तक संभाल कर रखी तुम्हारी दी हुई हर चीज, तुम्हारी कही हुई हर बात, न मैं कभी भूली हूं न कभी भूलूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।